अगली खबर बिलासपुर से, जहां आरटीओ ने स्कूली बसों की जांच की, बस ड्राइवरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया। 117 में से 37 बसें फिटनेस टेस्ट में फेल हो गई। 15 दिनों में सभी दस्तावेज दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। ट्रैफिक नियमों के पालन का भी निर्देश दिया गया। तो बिलासपुर से इस वक्त की खबर, जहां आरटीओ ने स्कूली बसों की जांच की, बस ड्राइवरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया, जिसमें पाया गया कि 117 में से 37 बसें फिटनेस टेस्ट में फेल हो गई। परिवहन और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर एक संयुक्त कैंप कर रहे हैं और बसों की फिटनेस और अन्य कागजातों के साथ साथ जो वाहन चालक हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर उनको जो मेडिसिन की आवश्यकता है वो भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जा रहा है। तो मतलब बसों की जांच के साथ साथ उनके हेल्थ की भी जाँच की जा रही है, जो तो निश्चित रूप से उनके लिए लाभदायक होगा। ओडिशा के कटक में सिटी सिल्वर अस्पताल ने विदिशा के दो लोगों को बंधक बना लिया है। दरअसल बंधक बनाए गए लोगों के परिवार का एक शख्स हादसे में जख्मी हो गया था, जिसकी कटक के सिटी सिल्वर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अस्पताल ने शव को तो दे दिया, लेकिन बाकी रकम चुकाने के लिए परिवार के दो लोगों को बंधक बना लिया। अब पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत कर बंधकों को मुक्त कराने की मांग की है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए इलाज की बड़ी रकम चुका पाना नामुमकिन है। ये अयोध्या बाई ने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें कटक में इनके परिवार के लोग बाग एक्सीडेंट में घायल हो गए थे, वहाँ किसी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान कुछ पैसे का लेन देन था और उस वजह से उनके परिजनों को वहाँ रोका पेमेंट के लिए। इस संबंध में जो घायल व्यक्ति अभी वहाँ है उससे कल इन्होंने मेरी चर्चा भी कराई थी। चर्चा की तो उनका कहना था हम अस्पताल प्रबंधन से बात कराएंगे, तो अभी अस्पताल प्रबंधन से बात हो नहीं सकी है। जैसे ही उनसे चर्चा हो जाएगी तो वो मसला पूरा स्पष्ट हो जाएगा। बाकी इलाज के पैसे को लेन देन को लेके कोई मसला है।